स्वागत है आपको बरेली देहात न्यूज चैनल में। मैं हूं आरपी वर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की तहसील आंवला पर। देखिए, हम सामने हमारे साथ एक भैया हैं जो कि उप जिला अधिकारी आंवला से मिलकर आए हैं, राशन संबंधी समस्या है। आइए जानते हैं पूरा प्रकरण इन्हीं से। क्या नाम है भैया? मेरा नाम ओमकार मौर्या है जी। जी, कहाँ के रहने वाले? मोहल्ला नुपरा रहता हूँ जी। क्या मामला है? मामला ये है, मुझे करीब 12-13-14 महीने हो गए करीब जी, गल्ला नहीं मिलता है जी। अंगूठा लगवा लेते हैं वो जी, और कहते हैं तुम्हारा राशन कार्ड बंद है। जब मैंने अपना अंगूठा जब चेक कराया था तो मेरा राशन कार्ड चल गया है, तो अभी 2 महीने से भी मतलब अंगूठा उनने नहीं लगवाया है राशन में मुझे। और मुझसे ये कहते हैं पूरे तहसील पे जितने भी अधिकारी हैं सबके लिए पैसे देता हूँ। इसमें सापा के बड़े नेता हैं वो, अफसर खां। अफसर खां कोटेदार कौन है? वो ही हैं, अफसर खां ही हैं, सबसे बड़े नेता हैं। और वो मुझे जान से मारने की धमकी भी देते हैं, उनके लड़के भी गाली भी बकते हैं मुझे, कह रहे थे साले मेरी जब सरकार आ जाएगी तो तुझे जान से मार दूंगा मैं। इसमें तो इसकी शिकायत आपने पूर्ति निरीक्षक या उप जिलाधिकारी या मैं साहब IGM साहब की कम से कम 3-4 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ। मेरा इसमें कोई भी अभी तक कोई भी कुछ हुआ नहीं है साहब। यहाँ तो सब लोग पैसे लेते हैं, क्या पता उनका कुछ करता नहीं हूँ बात जो है। वो तो मुझसे ये कह रहे थे मैं सबके लिए पैसे देता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी मंत्री के पास चला जा, किसी सांसद जी के पास चला जा, मैं सांसद जी का लेटर भी लिखवा के लेके आया हूँ। तो सांसद जी का लेटर लिखवा कर आए, उसके सब क्या हुआ उसके बाद? अभी तो देखो मैं साहब पेश हुआ हूँ, वो कह रहा ठीक है मैं देखता हूँ। मैंने कहा साहब मुझे तो आज कितने 14-15 महीने हो गए भागते भागते, मुझे आज तहसील पे, आज भी मैं तहसील पे आया हूँ, आज भी मैंने एक लेटर दे दिया है। तो क्या आश्वासन मिला SDM साहब ने, क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं साहब, कुछ ही कहते हैं बोले ठीक है मैं देखता हूँ, मुझे तो कुछ होएगा नहीं, मुझे तो पता है। वो तो वो कह रहे थे मैं सबके लिए पैसे देता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी मंत्री के पास चला जा, किसी के पास चला जा, किसी अधिकारी के पास, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं साहब ये चाहता हूँ इसके पास से कोटा यहाँ से हट जाए, दूसरी जगह जाए। नहीं, आपका आरोप है कि वो जान से मारने की धमकी देते हैं, उसका कोई प्रूफ वगैरह आपके पास है? नहीं, मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे धमकी देते हैं। मेरी मैडम गई थी गल्ला लेने तो उसे भी गाली बकरी बक रहे थे, बोले ऐसा है मैं तुम्हारा राशन कार्ड फाड़ दूंगा अगर तुम मेरे पास आए तब। 2 महीने से अंगूठा भी नहीं लगवाया, पहले से उससे पहले अंगूठा लगवा से चले आए हैं कि ठीक है तुम्हारा राशन कार्ड बंद हो गया है, मैं तुम्हारा चालू करा दूंगा, 2-3 महीने के बाद चालू हो जाएगा। तो सीओ साहब ने क्या आश्वासन दिया? सीओ साहब ने IGM साहब से मिला, क्या आश्वासन दिया? वो कह रहे थे मैं ठीक है मैं उनसे बात करता हूँ। आप ही के साथ इस तरह की घटना होती है क्या? अन्य और जो और भी हैं मेरे मोहल्ले के 2-4 लोग, वो भी मुझसे कह रहे थे मुझे भी ले चलना IGM साहब के पास, वो भी कह रहे थे वो ठीक है, मैंने कहा ठीक है चलूँगा, लेके चलूँगा उनको भी, उन्हें भी नहीं मिलते हैं। राशन कार्ड और साहब 4 किलो चार कार्ड कट गया या चल गया इस समय? नहीं, इस समय चल गया है मेरा, मिलता नहीं है, गल्ला नहीं देते, नहीं गल्ला नहीं देते हैं, और जान से मारने की धमकी देते हैं साहब। देखिए, लगातार हम आपके लिए आंवला क्षेत्र से जुड़ी खबरों के साथ अपडेट रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।